मिस्टर इंडिया। क्या बोनी कपूर के प्रोडक्शंस ने किया इनकार? क्या पानी की तरह बहाना पड़ेगा पैसा? वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सुपर पावर्स पर बात करेंगे। वैसे हॉलीवुड फिल्म में भले ही लैपटॉप पर देखते वक्त ही क्यों ना, आपको भी लगता होगा ना कि कब तक हम दूसरों के बैटमैन स्पाइडरमैन की तारीफें करते रहेंगे? यहाँ किसी के पास हॉलीवुड वाला दिमाग नहीं है क्या? क्या हम किसी से कम हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके सारे सवालों को फुल स्टॉप लगाइए, क्योंकि जल्दी डायरेक्टर अली अब्बास जफर आपको वैसा नज़ारा दिखाने वाले हैं जिसके सामने हॉलीवुड फीका पड़ेगा। हम उनकी आने वाली मूवी मिस्टर इंडिया 2 के बारे में बात कर रहे हैं। एक मैजिकल घड़ी की वजह से गायब होने वाले अनिल कपूर की मूवी, उस पर नज़र पड़ी है अली अब्बास की, क्योंकि उन्हें बॉलीवुड को उनकी औकात दिलाने का मूड हो रहा है। देखा जाए तो ज़्यादातर सुपर पावर बेस्ड फिल्में हॉलीवुड में ही बनती है, और इसलिए तो सभी को लगता है कि बॉलीवुड से कुछ नहीं हो पाएगा, पर ये चैलेंज दिया है अली ने। इस मूवी में होगा पावर्स का खेल जो छुड़ाएगा दुश्मनों के छक्के। ये सुपर पावर्स क्या होगी और कौन होगा वो सुपर हीरो, इस पर अभी बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा है। रणवीर सिंह के अतरंगी और अजीबोगरीब अवतार से तो उनका नाम लिया जा रहा है, पर खबर अभी पक्की नहीं है। पर अली ने डीसी और मार्वल जैसे बड़े प्रोडक्शंस कंपनी की तरह इंडिया में भी नई प्रोडक्शन कंपनी शुरू करने का फैसला लिया है, जिसमें प्रॉपर टेक्निक के साथ कैरेक्टर्स पर फोकस होगा। उसी के साथ बेस्ट ग्राफिकल टीम को भी अपॉइंट किया जाएगा, मतलब हॉलीवुड की साड़ियां कर निकालने वाले हैं अली। जी स्टूडियोज ने इस मूवी के राइट्स खरीदे हैं, खुद बोनी कपूर ने बेचने का शुभ काम किया है। दरअसल मिस्टर इंडिया को उनके नरसिम्हा एंटरप्राइजेस प्रोडक्शन के अंडर बनाया गया था, पर एक तरह से उन्होंने अच्छा ही किया, क्योंकि अली की प्लानिंग देखकर लगता नहीं कि बोनी कपूर इतना पैसा खर्च कर पाएंगे और जी से उन्हें फ़ायदा ही होगा, इसलिए उन्होंने सही फैसला लिया। ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए पानियों की तरह पैसे बहाने पड़ते हैं, तभी तो पर्दे पर असली कमाल दिखाई देता है। मूवी के बजट को लेकर कोई खबर नहीं आई है, पर अली के इरादे देखकर आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। क्या आपको लगता है अली चैलेंज पूरा कर पाएंगे? हमें बताएं कमेंट बॉक्स में लिखकर। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। क्या अली से रिक्वेस्ट करेंगे बोनी कपूर? क्या श्रीदेवी के गाने रिक्रिएट करना चाहती है बेटी? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नारवारा और आपका स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। मोबाइल पर एवेंजर्स गेम खेलते वक्त ऐसा लगता है ना कि काश मैं भी ऐसा सुपर हीरो बन जाऊं और ये करूं वो करूं। पर अब मोबाइल के गेम छोड़िए और फिल्म पर फोकस कीजिए। हाँ, क्योंकि जल्द ही थिएटर्स में एक बढ़िया सुपर हीरो की ग्रैंड एंट्री होने वाली है, जिसका मास्टर है डायरेक्टर अली अब्बास जफर। फिल्म का नाम होगा मिस्टर इंडिया 2। अब इस फिल्म की पहली फिल्म से कोई तुलना नहीं है, सिर्फ नाम ही उधार लिया है। पहली फिल्म में मैजिकल घड़ी ने कई रिकॉर्ड बनाए और अब फिल्म का अगला वर्जन हमें देखने को मिलेगा अली की नज़र से। अब आपका पहला सवाल होगा कि फिर वो इनविजिबल सुपर हीरो कौन होगा, कौन होगी उसकी हवा हवाई? बताते हैं। वैसे तो सुपर हीरो तो अभी इनविजिबल ही है, क्योंकि किसी ना किसी के नाम पर अभी स्टैंप नहीं लगी है। रणवीर सिंह तो टॉप लिस्ट में है, पर कंफर्मेशन आना बाकी है। तो दूसरी ओर श्रीदेवी की खूबसूरत बेटी जानवी कपूर को ऑफर मिलने के चांसेस लगते हैं, पर पता नहीं अली कौन सी जंगी तैयारी कर रहे हैं जो ऑडियंस की एक्साइटमेंट बढ़ा रही है। खैर, रणवीर सिंह को छोड़े पर जानवी का नाम कोई बड़ा सरप्राइज नहीं है। श्रीदेवी जैसी चांदनी या हवा हवाई ने ऑडियंस का दिल जीत लिया था, और अब उनकी बेटी अपनी माँ के किरदार पर काम करना चाहती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे वो भी अपनी माँ की तरह एक्सप्रेसिव नहीं है, पर आखिर में उनके अंदर श्रीदेवी के ही जीन्स हैं, वो थोड़ी ना चुप बैठेंगी। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि मिस्टर इंडिया का उनका फेवरेट गाना है हवा हवाई। एक अवार्ड शो में उन्होंने परफॉर्म भी किया था अपनी माँ के सामने, पर अगर ये मौका उन्हें फिल्म में मिला तो काफी दिलचस्प रहेगा उनका डांस देखना। पर अब जानवी ने अपनी माँ का एक बड़ा सीक्रेट खोल दिया है, नहीं उनकी मौत के बारे में नहीं बल्कि डांस के बारे में। श्रीदेवी कितनी अच्छी डांसर थी ये तो पूरी दुनिया को पता है। उन्होंने बेटी से कहा था कि डांस करते वक्त पहले स्टेप जरूरी नहीं होता,
बल्कि पहले हमें गाने और गाने के मूड को एंजॉय करना चाहिए। और स्टेप्स तो बाद में आते हैं, अगर आप फन करें तो ऑडियंस एंजॉय करेगी। वैसे बात तो सही है, इसलिए जानवी भी मौका मिलने पर हवा हवाई गाना रिक्रिएट करना चाहती है, उनकी तरह बिजली बनना चाहती है उसी गोल्डन क्राउन को पहनकर। खैर, अब जानवी इस फिल्म में होगी तो अली को अच्छा लगेगा ही, पर अगर बोनी कपूर ने सिफारिश की है तो नहीं। वैसे उन्होंने रिक्वेस्ट तो नहीं की है, पर अली ने खुद ही बताया था कि जानवी को लेने का फैसला उनका नहीं बल्कि बोनी कपूर और जी स्टूडियो के बीच का होगा, क्योंकि उन्होंने कोलैबोरेशन किया है। मतलब अली को कोई एतराज नहीं है जानवी से, पर रिक्रिएट करने के बाद भी ओरिजिनल का स्वाद कम नहीं होने वाला, भले ही जानवी हो या कोई और। क्या आपको लगता है ये नई हवा हवाई जादू चला पाएगी? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। क्या अहमद हुए नॉस्टैल्जिक? क्या है हवा हवाई की बैक स्टोरी? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नारवारा और आपका स्वागत है बॉलीग्रेड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। तैयार रहिएगा ऑडियंस, आ रहा है आपका सुपर हीरो एक नई सुपर पावर्स के साथ, और ये सुपर पावर का खेल आपको 3 घंटे दिखाई देगा। अब 3 घंटे मतलब आप सोच रहे होंगे कि क्या कोई फिल्म है मिस्टर इंडिया पार्ट 2? ये कोई ऐसा वैसा मिस्टर इंडिया नहीं है, बल्कि बॉलीवुड को भी अपनी तारीफ कराने पर मजबूर करा देने वाला है। 34 साल पुरानी इस फिल्म को डायरेक्ट अली अब्बास जफर ने अपने अंदाज में ग्रैंड तरीके से पेश करने का फैसला किया है, और ग्रैंड मतलब DC और मार्वल स्टूडियो की तरह। वैसे बिल्कुल सही फिल्म चुनी है अली ने। अब उनके जितने सक्सेसफुल और सीनियर कोरियोग्राफर डायरेक्टर जो कभी एक्टर भी थे, वो इस फिल्म से 34 साल पहले ही जुड़े थे। अहमद खान नाम तो सुना होगा, अहमद खान ने मिस्टर इंडिया के चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर डेब्यू किया। अनिल कपूर जिन अनाथ बच्चों को संभाल रहे थे उनमें से एक थे अहमद, पर क्या एक्टिंग की है छोटू ने, वाह। पर अब एक इंटरव्यू में उन्होंने एक खुलासा किया जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। श्रीदेवी जैसी ब्यूटीफुल अदाकारा को उन्होंने शायद कोरियोग्राफ नहीं किया है, पर क्या आपको पता है कि फिल्म में छोटे बच्चे का मरने का जब सीन शूट हो रहा था, उसी दौरान श्रीदेवी ने अहमद को साइड ले जाकर बोला कि मुझे ब्रेक डांस सिखाओगे? अहमद ने कुछ स्टेप करके दिखाया और श्रीदेवी ने रिहर्स किया और हंसते हंसते कहा कि अब मैं इसे खराब करूंगी, क्योंकि उन्होंने हवा हवाई गाने में थोड़ा कॉमिक अंदाज दिखाना था और स्टेप्स भी उसी तरह के होने चाहिए थे। फिर क्या, 15 मिनट में श्रीदेवी ने पूरा डांस सीख लिया और परफॉर्म किया। आज अहमद ये बातें बताते हुए काफी इमोशनल होते हैं, मतलब बंदे में इतना टैलेंट भरा है, देख रहे हैं ना आप। वैसे श्रीदेवी के साथ काम करने में हर किसी को मजा आएगा ही, पर और एक इंसान को लेकर वो नॉस्टैल्जिक होते हैं, कब, जब अनिल कपूर उनके साथ होते हैं किसी भी मंच पर। डांसिंग शो में अनिल की एंट्री होने पर परफॉर्मेंस की जाती है सिग्नेचर स्टेप्स की, और उनका डांस देखते हुए अहमद को पुराने दिन याद आते हैं क्योंकि वो भी उनके फैन हैं। तो ये थी हवा हवाई की बैक स्टोरी और अहमद का अनिल के लिए प्यार। आप भी जरूर ट्राई करिएगा वो ब्रेक डांस। क्या आपको श्रीदेवी का ब्रेक डांस पसंद आया? हमें बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर। इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। मिस्टर इंडिया 2 की शूटिंग, इसकी आवाज सुनेगी मिस्टर इंडिया 2 की ऑडियंस। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्री शाह और आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों, मिस्टर इंडिया 2 आने वाली फिल्म जो कि 2024 में रिलीज हो सकती है, इसके डायरेक्टर अब्बास अली है। दोस्तों, अब्बास अली कोलकाता के एक पुराने इंडियन एक्टर और मॉडल है जो मुख्य रूप से तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी और कन्नड़ की कुछ फिल्मों में दिखाई दिए। उन्होंने 1996 में कादीर की कदम देशम से अपनी शुरुआत की। जैसे कि आप सभी को पता है मिस्टर इंडिया कितनी हिट फिल्म हुई, उसी तरह उम्मीद ये भी लगाई जा रही है कि मिस्टर इंडिया 2 भी सुपर हिट होगी। साथ ही मिस्टर इंडिया की शूटिंग मुंबई में ही हुई थी, लेकिन आजकल की फिल्मों में अलग अलग लोकेशन होना तो जैसे आम बात है, इसी वजह से मिस्टर इंडिया 2 की भी शूटिंग बाहर होना तो तय है। इस फिल्म की शूटिंग मुंबई के साथ साथ इंटरनेशनल लोकेशन पर भी होगी। साथ ही दोस्तों, बात करते हैं फिल्म के सिंगर्स की, तो मिस्टर इंडिया में हमें किशोर कुमार जी की आवाज सुनने को मिली
और इनके गानों ने इंडिया में तो जैसे एक अलग ही मिसाल कायम कर दी थी। किशोर कुमार एक इंडियन प्लेबैक सिंगर और एक्टर थे। उन्हें बड़े रूप से भारतीय संगीत के इतिहास में सबसे ग्रेटेस्ट और मोस्ट डायनेमिक सिंगर में से एक माना जाता है। वह इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सबसे पॉपुलर गायकों में से एक थे, जो अपनी योटिंग और विभिन्न आवाजों में गाने गाने की क्षमता के लिए पॉपुलर थे। मिस्टर इंडिया 2 में इन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए इनके बेटे अमित कुमार जी की आवाज सुनाई देगी। दोस्तों, अमित कुमार एक प्लेबैक सिंगर, एक्टर और म्यूजिक कंपोजर है। कुमार ने कुमार ब्रदर्स म्यूजिक नाम से अपनी खुद की म्यूजिक प्रोडक्शन कंपनी लॉन्च की। उन्होंने 1970 के दशक से मुख्य रूप से बॉलीवुड और रीजनल फिल्म सॉन्ग में काम किया, जिसमें आर डी बर्मन की 150 हिंदी और बंगाली कंपोजिशन शामिल है। 1994 में बर्मन की डेथ के बाद क्वालिटी सॉन्ग्स रचना की कमी का हवाला देते हुए कुमार ने प्लेबैक सिंगिंग से अपना नाम वापस ले लिया और लाइव ऑर्केस्ट्रा शो पर ध्यान लगाया। इसके साथ साथ और भी सिंगर्स की आवाज सुनाई देगी, जैसे श्रेया घोषाल, अरिजीत सिंह और नेहा कक्कड़। तो देखते हैं ऐसे गाने होंगे इस बार के सेकेंड पार्ट में। नहीं मिला एप्रिसिएशन, कैसे हुआ अली अब्बास जफर का फायदा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नारवारा और आपका स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। लो आज मैं कहता हूँ, काटे नहीं कटते दिन ये रात। क्या? यानी कि आपका सुपर हीरो आ रहा है और इस बार उसके पास है कुछ अनोखी सुपर पावर्स जो करेगा आपको सुपर चार्ज अपनी एंटरटेनमेंट से। उसे मिस्टर इंडिया बुलाते हैं, पर आपका काम तो सुपर हीरो वाला है। 1987 में रिलीज हुई मिस्टर इंडिया ने तो कई सारे रिकॉर्ड्स बना दिए और एक्टर के नाम ही बदल गए। अमरेश पुरी जी मोगैम्बो बन गए तो श्रीदेवी हवा हवाई और अपने एकदम झक्कास वाले अनिल तो मिस्टर इंडिया। पर अनिल साहब ने अच्छा दिमाग चलाया और इस फिल्म को साइन किया, वरना तो सीक्वल में भी उनका कोई चांस नहीं होता। दरअसल बात यह है कि अनिल फिल्म की पहली पसंद नहीं थे। ये फिल्म ऑफर हुई थी सुपरस्टार राजेश खन्ना को, पर उन्होंने ठुकरा दिया। अब वजह तो कोई अनोखी नहीं है, फिल्म देखने के बाद आपको भी लगा ऐसी बेवकूफी कौन करता है। पर क्या है ना, सुपरस्टार भी कभी कभी ज्यादा ही सुपर हो जाते हैं। शिल्पा शेट्टी कहती है ना, सुपर से भी ऊपर। उसी तरह राजेश खन्ना को ये लगता था कि इस फिल्म का सब्जेक्ट और स्टोरी बिल्कुल काम की नहीं है, एकदम फ्लॉप। 90s में सुपर हीरो का इतना ट्रेंड नहीं था, लोग इमोशनल फिल्मों में उलझे रहते थे, तो ऐसी फिल्म को कोई क्यों देखेगा। राइटर सलीम जावेद की इस बड़ी एक्सपेरिमेंट पर किसी को भरोसा ही नहीं हुआ था। यूं कहिए कि 90s में मैजिकल थ्योरीज को अप्रिशिएशन ही नहीं मिला, ऐसे सवाल खड़े किए गए थे। पर जब फिल्म सक्सेसफुल हुई तो अच्छा खासा तमाशा मिला और मिस्टर इंडिया ने सारी अकड़ निकाल दी। और इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे बोनी कपूर, जिन्होंने अच्छा खासा पैसा भी लगाया, पर इस बार पता नहीं क्यों उन्होंने सारे राइट जी स्टूडियो को बेच दिए। इससे फायदा हुआ डायरेक्टर अली अब्बास जफर का, जो मिस्टर इंडिया 2 को डायरेक्ट कर रहे हैं। जी है मतलब अच्छा खासा पैसा भी लगाएगी, और उन्हें ऐसा टॉपिक आइडिया मिला जिसको वो मसालेदार एलिमेंट्स डालकर चटपटा बना सकते हैं। मतलब कॉपी तो नहीं होगी, पर एंटरटेनिंग और रेडीमेड स्टोरी से उनका फायदा ही होगा। राजेश खन्ना ने तो ठुकरा दिया, पर अब किसकी किस्मत खुलने वाली है, कौन है वो इनविजिबल सुपर हीरो, ये तो वक्त ही बताएगा। पर क्या असली जस्टिस दे पाएंगे स्टोरी को, आपको क्या लगता है बताएं कमेंट बॉक्स में लिखकर। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हाँ दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सर, जिस तरह एक्सरे की मदद से इंसान के अंदर देखा जा सकता है, क्या साइंस कभी ऐसी भी कोई चीज बना सकती है जिसकी मदद से आदमी दिखाई ही ना दे। आदमी दिखाई ना दे, ऐसा फॉर्मूला ये कैसे हो सकता है? अरुण भी आप कहाँ हैं? India.
चेंजेस हो सकते हैं डिवाइस में? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दर्शकों। स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे इंडियन की काफी मनपसंद और यूनिक मूवी सीक्वल मिस्टर इंडिया 2 के बारे में। मिस्टर इंडिया मूवी अपने टाइम की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी रही है, जो कि 1987 में रिलीज की गई थी। इंडियन सिनेमा में एक काफी अलग और यूनिक कॉन्सेप्ट से तैयार की गई इस मूवी को ऑडियंस द्वारा काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था। मिस्टर इंडिया मूवी एक ट्रेंड सेटर मूवी थी, जिसे आज भी लोग हंसते खेलते देख कर एंजॉय कर सकते हैं। मिस्टर इंडिया 2 मूवी के बारे में काफी ज्यादा रूमर शेयर किए जा रहे हैं, और सच पूछो तो हम भी इस मूवी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि मूवी का सीक्वल लगभग 35 साल बाद रिलीज किया जाएगा, और कहीं ना कहीं अनिल कपूर तो इस मूवी में होंगे ही, लेकिन साथ ही साथ मूवी में एक और लीड कैरेक्टर ऐड ऑन किया जाएगा, जो कि मिस्टर इंडिया का रोल करेगा। प्रेजेंटली इंडियन सिनेमा में सुपर हीरोज का दौर फिर से वापस आ रहा है, जहां क्रिश 4 मूवी काफी ज्यादा चर्चा में है, वहीं हाल ही में रिलीज की गई मुरली मूवी को भी ऑडियंस द्वारा शानदार रिस्पॉन्स मिला है। तो मिस्टर इंडिया 2 के मेकर्स इस सीक्वल को भी एक एक्शन सुपर हीरो मूवी में तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि मिस्टर इंडिया के पास इनविजिबल होने की एबिलिटी है, जो कि अपने आप में एक स्पेशल पावर है। सबसे खास बात तो ये है कि 1987 की मिस्टर इंडिया में मिस्टर इंडिया के पास जो डिवाइस था वो उस समय के हिसाब से तैयार किया गया था। अब 2022 में जो टेक्नोलॉजी है उसको ध्यान में रखते हुए हम ये बात को 100% कह सकते हैं कि मिस्टर इंडिया 2 में मेन कैरेक्टर के पास काफी हाई टेक तरीके होंगे उस डिवाइस की पावर्स को यूज करने के लिए, चाहे तो वो वॉच में, चश्मे में, या फिर पूरी की पूरी ड्रेस को भी इनविजिबिलिटी एबिलिटी के हिसाब से तैयार कर सकते हैं। इस मूवी के बारे में क्या विचार है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुभम खेर क्यों नहीं बने मोकैम्बो? अमित जी और राजेश खन्ना ने क्यों ठुकरा दिया था मिस्टर इंडिया का रोल? कैसे मिला दुनिया को उसका मिस्टर इंडिया? सो हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट स्वाति तिवारी। मिस्टर इंडिया फिल्म को रिलीज हुए 34 साल से ज्यादा हो चुके हैं। 34 साल का वक्त समझते हैं ना आप, ये बहुत लंबा टाइम है। इतने टाइम में पूरी जनरेशन पैदा होकर बाल बच्चे वाली हो जाती है। 34 सालों में अगर कुछ नहीं बदला है तो वो है अनिल कपूर। वो अब भी उतने ही जवान है जितने की तब थे। 40-50 की एज वालों का नॉस्टैल्जिया इस फिल्म से जुड़ा है, और जिसने एक बार भी ये फिल्म देखी है उसके दिमाग में फिल्म के कैरेक्टर्स चिपक के रह गए हैं। हमने पहले की वीडियो में मिस्टर इंडिया के कई किरदारों की बात की थी, आज भी करेंगे, तो शुरू करें मोकैम्बो की। हाँ, मोकैम्बो खुश हुआ, ये डायलॉग इतना पॉपुलर है कि लोगों की रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा बन गया था। आधा रसगुल्ला ज्यादा मिल जाए तो लोग कहते हैं मोकैम्बो खुश हुआ। डायरेक्टर शेखर कपूर मोकैम्बो के रोल में अनुपम खेर को लेना चाहते थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ी उनसे कहने की, इसलिए अनुपम खेर के साथ बात किए बिना ही बात खत्म हो गई। फिर जहन में नाम आया अमरीश पुरी का, लेकिन शेखर कपूर को लगा कि अमरीश पुरी मना कर देंगे। फिर प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने कहा कि हटो हम कहते हैं, उन्होंने कहा और मोकैम्बो खुश हो गया। ऐसे मिला इंडिया को सबसे बड़ा खलनायक। इसके बाद बात करते हैं मिस्टर इंडिया की। मोकैम्बो की तरह मिस्टर इंडिया के लिए भी फर्स्ट चॉइस अनिल कपूर नहीं थे। सलीम जावेद ने इसकी स्टोरी अमिताभ बच्चन को दिमाग में भर के लिखी थी। बच्चन जी ने कहा कि इसमें हीरो आधे से ज्यादा टाइम तो गायब रहता है, जब हम दिखेंगे नहीं तो बिकेंगे कैसे, इतना कह के मना कर दिया उन्होंने। राजेश खन्ना से बात हुई तो सेम जवाब आया। फिर नाम आया अनिल कपूर का, और अनिल कपूर उस जमाने में अक्षय कुमार थे, हर पिक्चर साइन करते थे, तो इसको भी कर लिया और बन गए मिस्टर इंडिया। उन्होंने ना ये सोचा कि दिखूंगा या नहीं, बस फिल्म मिले तो कर दी। तो अब इन दो किरदारों के अलावा भी फिल्म में काफी और किरदार भी शामिल हैं, लेकिन उनके लिए आपको थोड़ा रुकना होगा, बस हमारी अगली वीडियो तक। नहीं, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है। अब बात करेंगे मिस्टर इंडिया के दूसरे पार्ट की, जिसमें हमें मिस्टर इंडिया के किरदार में एक बार फिर मोस्ट हैंडसम मैन ऑन अर्थ अनिल कपूर ही नजर आने वाले हैं। लेकिन मोकैम्बो अब की बार खुश नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे साथ ही नहीं है।
लेकिन अच्छी बात ये है कि जो काम अनुपम खेर इसके पहले पार्ट में नहीं कर पाए वो अब दूसरे पार्ट में करेंगे। जी हाँ, मुकाम्बो के रोल में अनुपम खेर को फाइनल कर दिया गया है। तो आप लोग कितने उत्साहित हैं एक बार इन किरदारों को जीवित देखने के लिए, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक खुश रहें, सेफ रहें और बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्या अनिल कपूर भी फिल्म मिस्टर इंडिया 2 की अनाउंसमेंट सुनकर हुए डिस्टर्ब? क्या शेखर कपूर लेने वाले हैं लीगल एक्शन? इंटरव्यू के दौरान शेखर कपूर ने क्या कहा रिपोर्टर से? स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में और आप जुड़ चुके हैं अपनी होस्ट प्रिशा के साथ। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई और चटपटी वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं फिल्म मिस्टर इंडिया 2 के बारे में। फिल्म मिस्टर इंडिया के सीक्वल मिस्टर इंडिया 2 को डायरेक्ट करने वाले हैं अली अब्बास जफर, जिन्होंने गुंडे सुल्तान, एयर टाइगर जिंदा है जैसी सुपर फिल्म्स दी हैं। फिल्म को प्रोड्यूस जी स्टूडियोज करने वाले हैं। अभी तक फिल्म मिस्टर इंडिया 2 कोई भी डेडलाइन सेट नहीं कर पाई है अपनी प्रोडक्शन के लिए, ना ही कोई कास्ट के डिटेल्स अनाउंस किए गए हैं। कुछ दिन पहले ही फिल्म के अनाउंसमेंट करने पर मिस्टर इंडिया के डायरेक्टर शेखर कपूर ने ट्वीट कर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। शेखर कपूर ही नहीं, सोनम कपूर आहूजा ऑडियंस फिल्म की तरफ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। शेखर कपूर का कहना है, उनके परमिशन के बिना फिल्म का सीक्वल कैसे हो सकता है? शेखर कपूर के सामने किसी ने फिल्म का जिक्र भी नहीं किया। अब जब अली अब्बास जफर ने फिल्म के बारे में अनाउंसमेंट की, तब जाकर शेखर कपूर को फिल्म मिस्टर इंडिया 2 के बारे में पता चला। लेकिन जब से फिल्म मिस्टर इंडिया 2 की अली अब्बास जफर ने अनाउंसमेंट की है, तब से मैं कुछ ना कुछ डायरेक्टर कपूर, जिन्होंने मिस्टर इंडिया फिल्म डायरेक्ट की थी, उनसे कुछ सुनने मिल रहा है। शेखर कपूर, जिन्होंने 1987 में आई कल्ट क्लासिक फिल्म मिस्टर इंडिया, जिसमें अनिल कपूर और लेजेंडरी एक्टर श्रीदेवी को कास्ट किया गया था। लेटेस्ट अपडेट फिल्म के सीक्वल के बारे में ये था कि शेखर कपूर जो हैं, ने एक इंटरव्यू के दौरान रिपोर्टर से कहा कि डायरेक्टर की ओनरशिप जो मटेरियल अली अब्बास जफर बना रहे हैं, अभी मैं लॉयर्स के साथ टच में हूँ इस इशू को टैकल करने के लिए। फिल्म का डायरेक्टर होने के नाते मैं प्राइम ऑथर हूँ फिल्म का, मेरे पास राइट्स है मेरी फिल्म का फ्यूचर रीमेक करने का। यह बस मिस्टर इंडिया के बारे में ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉपीराइट्स लॉ के बारे में भी है। अनिल कपूर भी इक्वली डिस्टर्ब थे फिल्म के बारे में सुनकर। अभी सीरियस लीगल डिस्कशन बनता है, क्योंकि ऑथरशिप फिल्म की प्रिंसिपल डायरेक्टर के पास रहनी चाहिए, ऐसा शेखर कपूर ने इंटरव्यू के दौरान रिपोर्टर से कहा। जैसे जैसे फिल्म दिन बीते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मिस्टर इंडिया 2 के बारे में और भी बहुत सी खबरें सुनने को मिल रही हैं। बॉलीवुड की कुछ ऐसी ही अनसुनी और इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए आप सब्सक्राइब करें बॉलीग्राड स्टूडियोज को, और मिलते हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज की अगली वीडियो में कुछ नई और चटपटी बातों के लिए। सर, जिस तरह एक्सरे की मदद से इंसान के अंदर देखा जा सकता है, क्या साइंस कभी ऐसी भी कोई चीज बना सकती है जिसकी मदद से आदमी दिखाई? आखिर क्यों नाराज है मिस्टर इंडिया के रीमेक की खबर सुनकर शेखर कपूर, और आखिर क्या सवाल उठाया उन्होंने अपनी ट्विटर के रीसेंट पोस्ट के जरिए? क्या लेट एक्ट्रेस श्रीदेवी चाहती थी अभिनय करना मिस्टर इंडिया के सीक्वल में? नमस्कार, मैं हूँ राजश्री, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। आज हम फिल्म मिस्टर इंडिया और फिल्म से जुड़ी कुछ अनजान और दिलचस्प खबरों के बारे में बात करेंगे। मिस्टर इंडिया फिल्म को रिलीज हुए 31 साल से ज्यादा हो चुके हैं। 31 साल का वक्त समझते हैं ना आप, ये बहुत लंबा टाइम है। इतने टाइम में एक पूरी जनरेशन पैदा होकर बाल बच्चे वाली हो जाती है। 31 साल में अगर कुछ नहीं बदला है तो वो है अनिल कपूर। वो अब भी उतने ही जवान हैं जितने तब थे। भारतीय फिल्म जगत में साइंस फिक्शन में यह फिल्म मील का पत्थर साबित हुई थी। अनिल कपूर, अमरीश पुरी, श्रीदेवी अभिनीत, डायरेक्टर बोनी कपूर और शेखर कपूर की यह फिल्म ऐसी समय आई थी जब लोगों ने इस बारे में सोचा भी नहीं था कि कोई आदमी कल्पना में भी गायब हो सकता है।
40-50 इयर्स की एज वालों का नॉस्टैल्जिक इस फिल्म से जुड़ा हुआ है और जिसने एक भी बार ये फिल्म देखी है उसके दिमाग में फिल्म के ये कैरेक्टर्स चिपक कर रह गए हैं। बता दे, मिस्टर इंडिया का रीमेक होने वाला है और निर्देशक अली अब्बास जफर ने हाल ही में फिल्म मिस्टर इंडिया 2 की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद से ही एक नए विवाद ने जन्म ले लिया है। पहले ओरिजिनल फिल्म के निर्देशक शेखर कपूर ने इस बारे में उन्हें किसी भी तरह की जानकारी ना होने को लेकर अली अब्बास पर तंज लगाई। फिर सोनम कपूर ने इस फिल्म को लेकर उनके पिता अनिल कपूर से बातचीत ना करने के लिए अपनी नाराजगी व्यक्त की। अब फिर एक बार शेखर कपूर ने सवाल उठाए हैं। शेखर कपूर ने फिल्म के विलेन रहे अमरीश पुरी के मुकैम्बो के किरदार के लिए कलाकार के चयन को लेकर संशय व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, क्या कहा मिस्टर इंडिया 2, इस दुनिया में कोई और मुकैम्बो भी है? शेखर कपूर के इस ट्वीट पर कुछ यूजर्स ने अपने सुझाव भी दिए। कुछ यूजर्स ने कमेंट किया, बिल्कुल नहीं सर, लेकिन परेश रावल और अनुपम खेर मुकैम्बो का रोल निभा सकते हैं। वही कुछ ने अमिताभ बच्चन का नाम भी सजाया, तो किसी ने आज के जमाने के डरफान इरफान खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की काबिलियत पर भरोसा जताया। वही कुछ ऐसे लोग भी रहे जिनका यह मानना है कि क्राइम मास्टर गोगो जैसे किरदार निभाने वाले शक्ति कपूर इस किरदार में साथ न्याय कर सकते हैं। हालांकि ज्यादातर लोगों ने शेखर कपूर की बात से सहमति जताई है। मिस्टर इंडिया की बात करें तो फिल्म की लीड एक्ट्रेस यानी बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रीदेवी अब हमारे बीच नहीं रही। वह 20 फरवरी को ही उनका निधन हो गया था। कई सुपरहिट फिल्मों में काम करने वाली श्रीदेवी खुद ही हिट फिल्म मिस्टर इंडिया के दूसरे भाग में काम करना चाहती थी, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश अधूरी रह गई। फिल्म मॉम के प्रमोशन के दौरान श्रीदेवी ने मिस्टर इंडिया 2 में काम करने की ख्वाहिश जताई थी। मॉम के प्रमोशन के दौरान श्रीदेवी ने कहा था कि वे फिल्म मिस्टर इंडिया में काम करना चाहती है। उन्होंने कहा था कि कई लोग मेरे हस्बैंड से पूछते ही रहते हैं मिस्टर इंडिया का सीक्वल कब बनेगा। उन्होंने कहा था मिस्टर इंडिया 2 जरूर बनेगी। तो आपको क्या लगता है, फिल्म के सीक्वल में मुकैम्बो का रोल किसे करना होगा और आप फिल्म के सीक्वल में लीड रोल में किसे देखना पसंद करेंगे? हमें अपने राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आखिर कौन से अभिनेता फिल्म मिस्टर इंडिया 2 में अभिनय करते नजर आएंगे और क्या फिल्म का फेमस डायलॉग मुकैम्बो खुश हुआ फिल्म के सीक्वल में फिर से यूज किया जाएगा और आखिर किस वजह से फिल्म के टीजर को अब तक रिलीज नहीं किया गया है। मैं प्रियंका स्वागत करती हूं आप सभी का बॉलीवुड स्टूडियोज में। आज हम बात करेंगे फिल्म मिस्टर इंडिया के सीक्वल और इससे जुड़ी कुछ दिलचस्प खबरों के बारे में। साल 1987 में आई मिस्टर इंडिया में अनिल कपूर और श्रीदेवी की उम्दा अदाकारी को शायद ही कोई भूल पाए। अब ये फिल्म दोबारा बन रही है। पहले नई मिस्टर इंडिया के टीजर आने की डेट भी फाइनल हो गई थी, लेकिन किसी कारणवश रिलीज नहीं हो पाई। खबरों की माने तो मिस्टर इंडिया 2 टीजर में रणवीर फेमस डायलॉग मुकैम्बो खुश हुआ कहते नजर आएंगे। बोनी कपूर ने स्पिन ऑफ के नेगेटिव्स के राइट्स जी को बेच दिए हैं। जब उन्हें इस टीजर की खबर मिली तो उन्होंने निर्माताओं से इसे कुछ समय के लिए होल्ड पर रखने की मांग की थी। अब बताया जा रहा है कि टीजर जल्द ही रिलीज किया जा सकता है। फिल्म के निर्देशक अली अब्बास जफर ने हाल ही ट्विटर पर इस फिल्म से जुड़ी कुछ जानकारी दी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, मैं इस फिल्म में जी के साथ पार्टनर बनने के लिए काफी उत्सुक हूँ। ऐसे आइकॉनिक फिल्म को दोबारा पर्दे पर लाने की जिम्मेदारी अपने आप में ही बहुत बड़ी है, क्योंकि इसे दर्शकों ने तब बहुत प्यार दिया था। फिलहाल मैं इस फिल्म के स्क्रिप्ट पर काम कर रहा हूँ। कोई भी एक्टर इस फिल्म के लिए अब तक चुना नहीं गया है। एक बार हम स्क्रिप्ट तैयार कर ले, उसके बाद फिल्म की कास्टिंग शुरू होगी। बात करें इस फिल्म के आइकॉनिक किरदार मुकैम्बो के उस डायलॉग की, जिसके कारण टीजर के रिलीज में देरी हो रही है, तो उसे अमरीश पुरी इस तरह से बोला था कि अब उस छवि को तोड़ पाना काफी कठिन होगा।
आपको बता दें कि फिल्म के मुख्य कास्ट को लेकर अलग अलग तरह की जानकारियां सामने आ रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इसमें अनिल कपूर वाला किरदार रणवीर सिंह निभाते दिखेंगे। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि इस सुपर हीरो फिल्म में कैटरीना कैफ नजर आएंगी। हालांकि अली अब्बास जफर ने कास्ट को लेकर लगाए जा रहे क्वेश्चंस पर विराम लगा दिया है। अनिल कपूर श्रीदेवी की सुपरहिट फिल्म मिस्टर इंडिया के 32 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन फिल्म का चार्म आज भी बरकरार है। यही वजह है कि इस फिल्म के सीक्वल को बनने में इतना ज्यादा समय लग रहा है। बता दें कि मिस्टर इंडिया के 32 साल पूरे होने पर अनिल कपूर ने एक खास पोस्ट शेयर किया। अनिल ने लिखा, बच्चों के अनुकूल एक्शन सीन ने मिस्टर इंडिया को आइकॉनिक बना दिया। मैं फिल्म की 32वीं एनिवर्सरी को उस व्यक्ति को समर्पित करना चाहता हूं जिन्होंने इसे अविस्मरणीय पल को संभव बना दिया। वीरू देवगन एक शानदार इंसान थे और मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। तो दोस्तों, क्या आप मिस्टर इंडिया के सीक्वल को 32 साल बाद पर्दे पर देखने के लिए एक्साइटेड हैं? और कितना इंतजार है आपको इस फिल्म का? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्क्रिप्ट रिटन बाय काजल सिंह। के अंदर देखा जा सकता है, क्या साइंस कभी ऐसी भी कोई चीज बना सकती है जिसकी मदद से आदमी दिखाई ही ना दे? क्या मिस्टर इंडिया का रीमेक होगी इंटरनेशनल लेवल का? ओरिजिनल फिल्म में आखिर यह फिल्म होगी कितनी अलग? और क्या ओरिजिनल फिल्म मिस्टर इंडिया में विलन को कास्ट करने में लग गए 2 महीने? बॉलीग्राड स्टूडियोज में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम फिल्म मिस्टर इंडिया 2 और ओरिजिनल फिल्म से जुड़े कुछ अनजान और दिलचस्प खबरों की बात करें। यह फैक्ट सभी को पता चल चुका है कि अनिल कपूर और श्रीदेवी की सबसे धमाकेदार फिल्मों में से एक मिस्टर इंडिया का रीमेक बनने जा रहा है। ये 3 पार्ट की सीरीज होगी और इसे टाइगर जिंदा है और जो फेम अली अब्बास जफर डायरेक्ट करेंगे। हिंदी फिल्म मिस्टर इंडिया की बात करें तो फिल्म में अनिल कपूर मुख्य भूमिका में। इसमें एक आदमी की कहानी है जो अदृश्य होने की मशीन इस्तेमाल कर देश पर मैगाम्बो का हमला करता है और रोकता है। और बोनी कपूर ने 1987 में निर्मित इस फिल्म के बारे में बताया कि जब मोगाम्बो की बात सामने आई थी तो निर्माताओं ने कहा था कि एक नया विलन होना चाहिए जो शान के कुलभूषण खरबंदा और शोले के अहमद खान की तरह। इसके बाद मोगाम्बो की तलाश 2 महीने तक चली, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। बाद में निर्माता लेखक जावेद अख्तर और निर्देशक शेखर कपूर ने अमरीश पुरी का नाम का निर्णय किया। बोनी कपूर के मुताबिक वेटरन अभिनेता इस भूमिका को लेकर बेहद उत्साहित हुए थे। जब उन्होंने इस विलन को एक स्केच दिया तो उसमें विग, पोशाक और अन्य साज सजा शामिल था। निर्माता ने बॉलीवुड के प्रसिद्ध टेलर माधव अगस्ती को स्केच दिखाकर कहा कि अगर ऐसा ही ड्रेस बनेगा तो ही वह उन्हें एक फीसदी दुगना रकम देंगे। अमरीश पुरी जी इस बात से बेहद उत्साहित थे कि उनके नए लुक के लिए माधव काम कर रहे हैं और मेकअप मैन गोविंदा है। उनके डायलॉग्स और पंचलाइन जो जावेद साहब ने स्टोरी में लिखे थे, इन सब मगैंगो के व्यक्तित्व के 4 चांद लगा दिए। लोगों के दिमाग में अब इस रीमेक को लेकर सबसे बड़ा सवाल ये चल रहा है कि अनिल कपूर और श्रीदेवी की जगह किन एक्ट्रेस को कास्ट किया जाएगा और क्या जानवी कपूर अपनी माँ श्रीदेवी वाला किरदार निभाएंगी। जानवी ने साल 2018 में फिल्म धड़क की से बॉलीवुड में एंट्री की। फिल्म धड़क में जानवी के साथ ईशांत खट्टर भी नजर आए थे। अपनी दूसरी फिल्म गुंजर सक्सेना में जानवी का एक वायु सैनिक के रोल में नजर आई थी। जानवी जी पिछली फिल्म रूही थी जो कि एक हॉरर कॉमेडी फिल्म थी। इस फिल्म में जानवी राजकुमार राव के ऑपोजिट नजर आए। अब्बास अली ने फिल्म को लेकर हाल ही में बताया कि कास्टिंग बहुत जल्द होगी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यह फिल्म 1987 वाली फिल्म जैसे बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कहा, इसका अनिल कपूर वाली मिस्टर इंडिया से कोई लेना देना नहीं है और एक बड़े बजट और हाई प्रोडक्शन वैल्यू के साथ नई साइंस फिक्शन फिल्म है। ये एक एवेंजर्स जैसे किरदार पर तैयार करना चाहते हैं। ये मिस्टर इंडिया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की होगी। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या फिल्म मिस्टर इंडिया का रीमेक हासिल कर पाएगी पिछली फिल्म जितना ही दर्शकों का प्यार? और आप कितने एक्साइटेड हैं इस इंटरनेशनल लेवल के साइंस फिक्शन फिल्म के पर्दे पर देखने के लिए? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद। मेरा नाम है पूनम और आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है काजल सिंह ने। आखिर क्यों श्रीदेवी ने हिंदी सिनेमा में अपने डेब्यू फिल्म के बाद बॉलीवुड छोड़ दिया था और क्या वे करना चाहती थी मिस्टर इंडिया के सीक्वल में काम, और कौन से नए डायरेक्टर करने वाले हैं अब इस फिल्म का निर्माण?
बॉलीग्रेड स्टूडियोज में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम फिल्म मिस्टर इंडिया और फिल्म से जुड़ी अभिनेत्री यानी लेट एक्ट्रेस श्रीदेवी जी से जुड़े कुछ अनजान और दिलचस्प खबरों के बारे में बात करेंगे। अनिल कपूर और श्रीदेवी स्टारर मिस्टर इंडिया बॉलीवुड की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक रही है। सिनेमा पसंद करने वाले लोगों के लिए ये मस्ट वॉच फिल्म है। अब एक बार फिर ये फिल्म ट्रेंड में आ गई है क्योंकि डायरेक्टर अली अब्बास जफर फिर से इस फिल्म पर काम कर रहे हैं जिसे वो नए ढंग से पेश करेंगे। लेट एक्ट्रेस श्रीदेवी ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि अगर मिस्टर इंडिया का सीक्वल बनता है तो वे उसमें ज़रूर अभिनय करना चाहेंगे। श्रीदेवी की फिल्मी कैरियर की बात करें तो श्रीदेवी ने अपने सीने कैरियर की शुरुआत महज 4 साल की उम्र में एक तमिल फिल्म से की थी। सन 1976 तक श्रीदेवी ने कई साउथ इंडियन फिल्मों में बतौर बाल कलाकार काम किया। बतौर अभिनेत्री उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत तमिल फिल्म मुदीची से की। 1977 में प्रदर्शित तमिल फिल्म 16 भयानीथनीले की और सफलता के बाद श्रीदेवी स्टार एक्ट्रेस बन गई। हिंदी फिल्मों में बतौर अभिनेत्री श्रीदेवी ने अपने सीने कैरियर की शुरुआत सन 1979 में प्रदर्शित फिल्म 16 सावन से की, लेकिन फिल्म असफल होने के बाद श्रीदेवी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री छोड़ साउथ इंडियन फिल्मों की ओर लौट गई। 1983 में श्रीदेवी ने एक बार फिर फिल्म हिम्मतवालम के जरिए हिंदी फिल्मों की ओर अपना रुख किया। फिल्म की सफलता के बाद बतौर अभिनेत्री वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गई। 1983 में श्रीदेवी के सीने कैरियर की एक और अहम फिल्म सदमा रिलीज हुई। हालांकि फिल्म असफल साबित हुई, लेकिन दर्शक आज भी ऐसा मानते हैं कि ये श्रीदेवी के कैरियर की बेस्ट फिल्मों में से एक है। 1986 में रिलीज फिल्म नगीना श्रीदेवी के सीने कैरियर की महत्वपूर्ण फिल्मों में शुमार की जाती है। इस फिल्म में श्रीदेवी ने इच्छाधारी नागिन का किरदार निभाया था। 1987 में प्रदर्शित फिल्म मिस्टर इंडिया श्रीदेवी की सबसे कामयाब फिल्म साबित हुई। 1989 में ही श्रीदेवी की एक और सुपरहिट फिल्म चांदनी रिलीज हुई। यश चोपड़ा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में श्रीदेवी ने चांदनी की मुख्य भूमिका निभाई। इस फिल्म में श्रीदेवी ने अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए न सिर्फ चुलबुला किरदार निभाया, साथ ही कुछ सीन्स में अपने संजीदा एक्टिंग से दर्शकों को इमोशनल कर दिया। फिल्म में अपने दमदार अभिनय के लिए श्रीदेवी बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी की गई। श्रीदेवी ने अपने 3 दशक लंबे सीने कैरियर में लगभग 200 फिल्मों में काम किया। श्रीदेवी ने हिंदी फिल्मों के अलावा तेलुगु, तमिल और मलयालम फिल्मों में भी काम किया। श्रीदेवी ने 2012 में रिलीज फिल्म इंग्लिश विंग्लिश से कमबैक किया। फिल्म में श्रीदेवी ने अपने दमदार अभिनय से ऑडियंस को मंत्रमुग्ध कर दिया। 2013 में श्रीदेवी पद्मश्री से नवाजी गई। 2017 में श्रीदेवी ने फिल्म मॉम से एक बार फिर कमबैक किया, जिसमें उन्होंने एक बार फिर से अपने लाजवाब अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको फिल्म मिस्टर इंडिया की सीक्वल में आज की किस हीरोइन को कास्ट करना चाहिए श्रीदेवी के रोल के लिए, और किन एक्टर्स को आप इस फिल्म में देखना पसंद करेंगे? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या अनिल कपूर अपनी फिल्म में गाना भी गा चुके हैं, और किस फिल्म के लिए अनिल को अपनी मूंछें बनवानी पड़ी? अनिल कपूर के बारे में बात करें तो उनका नाम अक्सर बॉलीवुड के बिंदास एक्टरों में शुमार हो जाता है। आज भी उनके एवरग्रीन डायलॉग की तरह उनकी पर्सनालिटी की एकदम झकास है। साल 1956 में मुंबई के चैंबूर में जन्मे अनिल कपूर हिंदी सिनेमा का एक बड़ा नाम रह चुके हैं। वे निर्मल कपूर और फिल्म प्रोड्यूसर सुरेंद्र कपूर के बेटे हैं। बॉनी कपूर उनके बड़े भाई हैं और संजय कपूर
लाइन से जुड़े हुए थे, लेकिन अनिल कपूर का झुकाव भी फिल्मों की तरफ ही ज्यादा था। तेलुगु सिनेमा की एक फिल्म में अनिल कपूर ने बतौर लीड एक्टर अपना डेब्यू किया था। यह फिल्म भी साल 1980 में आई विरूकक्ष में थी। हालांकि इससे पहले 1979 में डायरेक्टर उमेश मेहता की फिल्म हमारे तुम्हारे में अभिनेता सपोर्टिंग रोल में नजर आ चुके हैं। अनिल कपूर के स्ट्रगल के दिनों में ही सुनीता नाम की जॉनी मानी मॉडल अनिल की जिंदगी में आई। अनिल को एक दोस्ती की मदद हो उनका नंबर मिला और फोन पर बात करते हुए सुनीता की आवाज से प्यार हो गया। डेट पर कहां भी घूमने हो तो दोनों बस सफर ही किया करते थे। उन दिनों कथित तौर पर अक्सर सुनीता अनिल को किराया देती थी और कई सारे गिफ्ट भी। दोनों ने साल 1984 में शादी कर ली थी। हालांकि अनिल कपूर के दोस्तों ने उन्हें ऐसा करने से मना किया। गाना गाया था फिल्म चमेली की शादी में। उसके बाद फिल्म वो सात दिन के गीत और तेरे बिना मैं नहीं में भी अपनी आवाज दी थी। फिल्म चांदनी के लिए ऋषि कपूर की जगह अनिल कपूर को ही साइन किया गया था, लेकिन फिर बाद में किसी कारण अनिल ने वो फिल्म नहीं। मूछों वाला हीरो कहे जाने वाले अनिल कपूर ने पहली बार 1991 में रिलीज हुई फिल्म लम्हे के लिए अपनी मूछें मंडवा दी थी। अनिल कपूर को उनकी फिल्म पुकार के लिए 2001 में नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अनिल कपूर ने स्लमडॉग मिलियनेयर के साथ हॉलीवुड में कदम रखा था और फिल्म को अवार्ड जो है ऑस्कर अवार्ड मिला था। तो दोस्तों आप बताइए, आप कितनी पसंद करते हैं एक्टर अनिल कपूर की एक्टिंग को? क्या साइंस कभी ऐसी भी कोई चीज बना सकती है जिसकी मदद से आदमी दिखाई ही न दे? क्या मिस्टर इंडिया के सीक्वल पर अली अब्बास जफर कर रहे हैं काम? क्या अफताब शिवदेसानी भी ओरिजिनल फिल्म मिस्टर इंडिया का रह चुके हैं हिस्सा? और आखिर अफताब किस रोल में नजर आए थे फिल्म मिस्टर इंडिया में? आज हम फिल्म मिस्टर इंडिया और फिल्म के अभिनेता से जुड़ी कुछ अनजान और दिलचस्प खबरों के बारे में बात करेंगे। एक बार फिर बॉलीवुड की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म ट्रेंड में आ गई है, क्योंकि डायरेक्टर अली अब्बास जफर फिर से फिल्म मिस्टर इंडिया पर काम कर रहे हैं, जिसे वो नए ढंग से पेश करेंगे। अनिल कपूर और श्रीदेवी स्टारर मिस्टर इंडिया बॉलीवुड की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक रही है। फिल्म में दिखाए गए अनाथ बच्चे अब जाना माना नाम बन गए हैं। इनमें आफताब शिवदासानी और करण नाथ जैसे एक्टर्स है, तो वही कोरियोग्राफर अहमद खान जैसे लोग भी। फिल्म में कई अनाथ बच्चों का ख्याल अनिल कपूर का कैरेक्टर रखता है। उन बच्चों की बात करें तो उनमें से एक का नाम अफताब शिवदासानी भी है। अफताब आगे चलकर मस्ती, फुटपाथ, कसूर, 1920 एविल रिटर्न्स जैसी कई फिल्मों में नजर आए। बॉलीवुड एक्टर अफताब शिवदासानी का जन्म 25 जून 1978 को मुंबई में हुआ था। अफताब ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट बॉलीवुड में डेब्यू किया था। पहली बार उन्हें बेबी फूड के एक ब्रांड के एड में महज 1.5 साल की उम्र में सिलेक्ट कर लिया गया था। इसके बाद अफताब ने कई एड फिल्मों में काम किया। फिल्मों की बात करें तो सबसे पहले अफताब अनिल कपूर की सुपरहिट फिल्म मिस्टर इंडिया में नजर आए थे। उस वक्त उनकी उम्र मात्र 9 साल थी। इसके बाद उन्होंने फिल्म शहनशाह में अमिताभ बच्चन के बचपन का किरदार निभाया था। इसके अलावा वो अव्वल नंबर, चालबाज और इंसानियत जैसी फिल्मों में भी नजर आए। साल 1999 में अफताब शिवदासानी ने महज 19 साल की उम्र में राम गोपाल वर्मा की फिल्म मस्त में लीड रोल निभाया। इस फिल्म में उनके ऑपोजिट उर्मिला मातोंडकर थी। फिल्म सुपर हिट रही थी। इसके बाद उन्हें बेस्ट मेल डेब्यू और मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यू कमर जैसे कई अवार्ड मिले। उसके बाद वे निर्देशक विक्रम भट्ट की फिल्म कसूर में नजर आए। इस फिल्म में उनके ऑपोजिट लीजा रे नजर आई थी। इस फिल्म में उन्होंने खलनायक की भूमिका अदा की, जिसके लिए उन्हें जी सिने अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। मस्त, कसूर और हंगामा जैसी फिल्मों को छोड़ दे तो अफताब की कोई और फिल्म खास कमाल नहीं दिखा सकी। इन फिल्मों में भी अफताब सोलो रोल में थे। अफताब की फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप होने लगी तो उन्होंने एडल्ट कॉमेडी फिल्मों का सहारा लिया। भले ही अफताब का फिल्म कैरियर कुछ खास नहीं रहा, लेकिन प्रोडक्शन हाउस और दूसरे इवेंट्स के जरिए वो अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं। उन्हें हिंदी सिनेमा में पहचान कॉमेडी फिल्म मस्ती ने दिलाई, जिसके सीक्वल में भी वो नजर आए। तो दोस्तों, क्या आपको भी है इंतजार मिस्टर इंडिया के सीक्वल का? और फिल्म के कास्ट में आप किन एक्टर्स को देखना पसंद करेंगे? और
क्या लगता है आपको कि आफ्ताब बनेंगे इस सीक्वल फिल्म का हिस्सा? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो क्या शाहरुख खान आने वाले हैं फिल्म मिस्टर इंडिया के सीक्वल में नजर, और फिल्म में आखिर किस रोल में दिखेंगे बॉलीवुड के किंग खान? तो दोस्तों, बॉलीवुड स्टूडियोज में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे फिल्म मिस्टर इंडिया की, और मैं हूँ अनुष्का त्यागी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अनिल कपूर और श्रीदेवी स्टार फिल्म मिस्टर इंडिया सुपर डुपर हिट रही थी और दोस्तों फिल्म को दर्शकों से भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। मिस्टर इंडिया भारतीय सिनेमा की पहली साईफाई फिल्मों में से एक थी और 1987 में रिलीज हुई थी। दोस्तों बता दूं कि शेखर कपूर के निर्देशन में मिस्टर इंडिया और मोगैम्बो जैसे कई प्रतिष्ठित चित्रों को पेश किया गया था जो सिनेमा प्रेमियों के दिल में आज भी मौजूद है। फिल्म का कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक था और उस टाइम की फिल्मों से बहुत अलग भी था, जिसके बावजूद फिल्म को दर्शकों का खूब प्यार मिला और यहाँ तक कि आज भी फिल्म के गाने और मोगैम्बो का कैरेक्टर सबके जहन में बसा हुआ है। तो दोस्तों, पिछले कुछ सालों से 90 के दशक की सुपरहिट फिल्मों के सीक्वल बन रहे हैं और दर्शक उन्हें पसंद भी कर रहे हैं, और आजकल तो मानो सीक्वल फिल्म बनाने का ट्रेंड ही चल रहा है। लगभग हर साल थिएटर्स में कम से कम 3 से 4 सीक्वल्स फिल्में तो आराम से देखने को मिल जाती है। पिछले कुछ सालों से कई बार ऐसी न्यूज आई कि शेखर कपूर और अनिल कपूर साथ में मिस्टर इंडिया 2 की प्लानिंग कर रहे हैं, पर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई। लेकिन कुछ दिन पहले ही अली अब्बास जफर ने अपने सोशल अकाउंट के जरिए अनाउंस किया कि उन्होंने फिल्म के राइट्स खरीद लिए हैं और वो फिल्म मिस्टर इंडिया 2 के स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कास्टिंग की कोई खबर अनाउंस नहीं की, पर खबर है कि फिल्म में अनिल कपूर के रोल के लिए रणवीर सिंह को अप्रोच किया जाए और मोगैम्बो के रोल के लिए शाहरुख खान को। हालांकि अभी कास्टिंग को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, पर इससे इतना तो क्लियर है कि फिल्म में मोगैम्बो का रोल हो या ना हो, पर शाहरुख खान फिल्म में नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करते दिख सकते हैं। और दोस्तों, ये पहली बार नहीं होगा जब शाहरुख खान नेगेटिव रोल में दिखेंगे। इससे पहले भी शाहरुख को नेगेटिव रोल में देखा जा चुका है, जिनमें से एक तो शाहरुख के करियर की बेस्ट फिल्म्स में से एक है, और यहाँ तक कि अगर शाहरुख की कोई मिमिक्री करे तो उनके इस फिल्म का डायलॉग तो बोलता ही है। तो दोस्तों, अब तो आपको पता लग ही गया होगा कि हम किस फिल्म की बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फिल्म डर की। फिल्म डर से शाहरुख खान को एक नई पहचान मिली और शाहरुख खान की एक्टिंग की जमकर तारीफ भी हुई थी। दोस्तों, यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्म में शाहरुख खान ने एक ऐसे वायलेंट लवर का किरदार निभाया जो किसी भी परिस्थिति में अपने प्रेमिका से शादी करना चाहता है। बता दें कि सुपरस्टार शाहरुख खान स्टार ऑफ फिल्म डर ने 24 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वहीं दोस्तों, अभी 2 साल पहले ही शाहरुख खान को फिल्म जीरो में भी डबल रोल में देखा गया था, जिसमें उनका एक नेगेटिव किरदार था। फिल्म शाहरुख खान के लिए अनलकी साबित हुई और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी, जिसके बाद शाहरुख ने फिल्मों से 2 साल का ब्रेक भी ले लिया था। पर अब शाहरुख को फिल्म जीरो के बाद फिर से नेगेटिव रोल में देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या शाहरुख फिल्म में अमरीश पुरी जी के किरदार यानी कि मोगैम्बो को टक्कर दे पाएंगे, और आपको कितना इंतजार है शाहरुख खान को मोगैम्बो के रोल में देखने का? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को। तो दोस्तों, हमारी आज की राइटर है काजल। मेरा नाम है मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया नहीं, बल्कि एक आम और मामूली हिंदुस्तानी। क्या मिस्टर इंडिया के सीक्वल में नजर आ सकते हैं रणवीर सिंह और अनिल कपूर एक साथ? और आखिरी बार हम सभी ने इन दोनों को कौन सी फिल्म में साथ देखा था और ऑडियंस का रिएक्शन उस फिल्म को देखकर क्या था? तो दोस्तों, आप सभी के इन सवालों का जवाब देने के लिए मैं जैनी शाहनवाज एक बार फिर हाजिर हूँ। सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज की इस वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग फिल्म मिस्टर इंडिया 2 के बारे में। आप सभी को बता दें कि डायरेक्टर अली अब्बास जफर एक बार फिर से अपनी फिल्म के सीक्वल के साथ आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये फिल्म बहुत जबरदस्त फिल्म थी। साल 1987 में रिलीज की गई फिल्म मिस्टर इंडिया का सीक्वल मिस्टर इंडिया 2 आने वाला है, और इस फिल्म से जुड़ी सबसे बड़ी बात ये है कि इस फिल्म में हमें रणवीर सिंह शाहरुख खान के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आने वाले हैं। आप सभी को बता दें कि फिल्म के मेकर्स इस फिल्म को एक फ्रेश स्पिन ऑफ और कंटेम्प्रेरी सेटअप देने के बारे में सोच रहे हैं। फिल्म के मेकर्स ने रणवीर सिंह को अनिल कपूर का रोल करने के लिए अप्रोच भी किया है। इसके अलावा मोगैम्बो के रोल के लिए शाहरुख खान को अप्रोच किया गया है। आप सभी को बता दें कि फिल्म के मेकर्स का मानना है कि वो इस फिल्म को एक स्पिन ऑफ ज्यादा दिखाना चाहते हैं। फिल्म को लेकर अभी तक शाहरुख खान ने कोई खास कंफर्मेशन नहीं दी है। वहीं दूसरी तरफ रणवीर सिंह इस रोल को लेकर बहुत खुश हैं और उन्होंने इस फिल्म को करने के लिए हाँ भी कर दी। आप सभी को बता दें कि फिल्म साल 2022 में रिलीज कर दी जाएगी। फिल्म में अनिल कपूर होंगे या नहीं, इस बात की तो
कोई खास कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अब देखना ये होगा कि रणवीर सिंह अनिल कपूर के रोल मिस्टर इंडिया के साथ क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखना ये होगा कि रणवीर सिंह इस फिल्म में कौन सा रणवीर टच लाते हैं। इसके साथ साथ आप सभी को याद दिला दें कि रणवीर सिंह और अनिल कपूर की जोड़ी हम लोग पहले भी एक फिल्म में देख चुके हैं, जिस फिल्म का नाम है दिल धड़कने दो। इस फिल्म में इन दोनों को एक साथ देखकर ऑडियंस बहुत खुश हुई। साल 2015 में जोया अख्तर के निर्देशन में बनाई गई फिल्म दिल धड़कने दो को आज बॉलीवुड में 5 साल पूरे हो चुके हैं। अब बात करी जाए फिल्म के बजट की, तो मैं आप सभी को बता दूं कि फिल्म को 83 करोड़ के बजट में बनाया गया था, लेकिन फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 145 करोड़ का था। इस फिल्म में आप सभी जैसा कि देख ही चुके होंगे, अनिल कपूर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के रोल में नजर आए थे जो कि दिवालिया हो चुका है, और फिल्म में रणवीर सिंह और प्रियंका चोपड़ा उसी बिजनेसमैन के बच्चे बने नजर आए थे। फिल्म में अनिल कपूर प्रियंका चोपड़ा के पिता के किरदार में नजर आ रहे हैं, और आप सभी को बता दें कि एक इंटरव्यू में अनिल कपूर ने बताया था कि वो इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा के पिता का रोल निभाने में जरा से हिचक रहे थे, लेकिन उनके बेटे हर्षवर्धन कपूर ने उन्हें इस रोल को करने के लिए मोटिवेट किया और उन्हें कहा कि उनसे बेहतर इस रोल को कोई और नहीं निभा सकता, और उनकी इसी बात का नतीजा है कि अनिल कपूर इस फिल्म को करने के लिए मान गए। तो दोस्तों, अब अनिल कपूर और रणवीर सिंह के इतने इंटरेस्टिंग रोल्स देखने के बाद एक बार फिर हम इन दोनों को शायद एक फिल्म में साथ देख सकते हैं। तो आप सभी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आप इन लोगों को एक बार फिर साथ देखना चाहते हैं। क्या मिस्टर इंडिया फिल्म के निर्देशक शेखर कपूर ने हॉलीवुड फिल्मों में भी डायरेक्शन किया है, और क्या फिल्मों में आने से पहले वो लंदन में चार्टर्ड अकाउंटेंट की नौकरी भी किया करते थे? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रिया अरोरा, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज़ में, जहां हम आज बात करने वाले हैं फिल्म मिस्टर इंडिया और फिल्म से जुड़ी कुछ अनजान और दिलचस्प खबरों के बारे में। यह 1987 में शेखर कपूर निर्देशित फिल्म मिस्टर इंडिया तो सभी को याद होगी। इस फिल्म में जितनी तारीफ हीरो की हुई, उससे कई ज़्यादा लोगों ने विलन बने अमरीश पुरी को पसंद किया था। फिल्म में उनका मोगैम्बो वाला किरदार इतना ज़बरदस्त था कि लोगों का ध्यान उस पर से हटा ही नहीं। हालांकि इसके बाद अमरीश ने कुछ हिंदी फिल्मों में अच्छे व्यक्तित्व का किरदार भी निभाया, लोगों ने इसमें भी अमरीश पुरी को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्मों में गिने जाने वाली फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में सिमरन के पापा का रोल अमरीश को नई ऊंचाइयों पर खड़ा कर गया, लेकिन अचानक एक दिन ऐसा भी आया जब ये मोगैम्बो सबको रुला कर चला गया। 12 जनवरी 2005 को 72 वर्ष की आयु में अमरीश पुरी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। बेशक अमरीश अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी खलनायक का अंदाज आज भी याद आता है। वहीं फिल्म मिस्टर इंडिया के डायरेक्टर की बात की जाए तो शेखर कपूर का नाम एक ऐसे फिल्म निर्देशक के रूप में शुमार किया जाता है जिन्होंने ना सिर्फ बॉलीवुड में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी खास पहचान बनाई है। शेखर कपूर का जन्म 6 दिसंबर 1945 को लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान में हुआ था। हिंदी सिनेमा में आने से पहले शेखर बतौर चार्टर्ड अकाउंटेंट लंदन में काम कर चुके हैं। शेखर कपूर ने बॉलीवुड को मासूम, बैंडेड, क्वीन और मिस्टर इंडिया जैसी कई बेहतरीन फिल्में दी हैं। बॉलीवुड के अलावा शेखर कपूर की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होती है। उन्होंने हॉलीवुड में द फोर फेदर्स, एलिजाबेथ वन जैसी फिल्मों का निर्देशन भी किया है। इस फिल्म के पहले भाग को ऑस्कर्स में 7 और दूसरे को 2 नामांकन भी मिले हैं, जिसमें से उन्होंने 2 अवार्ड्स जीते। उसके अलावा उन्होंने द फोर फेदर्स, न्यूयॉर्क आई लव यू और पैसेज जैसी फिल्में भी बनाई हैं। लेकिन क्या आप सब जानते हैं कि इतनी बेहतरीन फिल्में बनाने वाले शेखर कपूर कभी लंदन में चार्टर्ड अकाउंटेंट की नौकरी किया करते थे? देव आनंद की वजह से वह फिल्मों में आए। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिल्म जॉन हाजिर हो से की थी। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शेखर कपूर को जब फिल्मों में कदम रखने का मौका मिला तो उन्होंने एक्टिंग से अपना करियर शुरू किया था।
उन्हें उड़ान शो से भी काफी लोकप्रियता मिली थी। कविता चौधरी का उड़ान एक लोकप्रिय टीवी धारावाहिक था जिसमें महिला सशक्तिकरण के मुद्दे को उठाया गया था। ये शो कल्याणी सिंह नाम की एक युवा लड़की की कहानी है जो हर स्तर पर लैंगिक भेदभाव से जूझते हुए आईपीएस अधिकारी बन जाती है। शो में एक पुरुष नायक शेखर कपूर भी है जो महिला अधिकारी को अपने बराबर मानता है। शेखर कपूर ने दो शादियां की हैं। उनकी पहली शादी मेधा से हुई थी जिन्होंने बाद में अनूप जलोटा से शादी कर ली। इसके बाद शेखर कपूर ने मशहूर अभिनेत्री सुचित्रा कृष्णमूर्ति से शादी की थी। हालांकि दोनों एक दशक से अलग अलग रह रहे हैं। शेखर कपूर बेहतरीन होस्ट भी हैं और 2013 में उन्होंने टीवी शो प्रधानमंत्री की मेजबानी भी की थी। इस कार्यक्रम में भारतीय रियासतों के विलय से लेकर देश के प्रधानमंत्री चुनने की पूरी कहानी थी। तो दोस्तों, आप फिल्म मिस्टर इंडिया के रीमेक में मोगैम्बो के रोल में किसे देखना चाहेंगे और क्या लगता है आपको, क्या फिल्म के रीमेक का डायरेक्शन फिर से शेखर कपूर को ही करना चाहिए या नहीं? हमें अपने जवाब कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे क्या साइंस कभी ऐसी भी कोई चीज़ बना सकती है जिसकी मदद से आदमी दिखाई ही ना दे? आदमी दिखाई ना दे, ऐसा फॉर्मूला? तो आखिर क्या फिल्म मिस्टर इंडिया में नजर आने वाली है शाहरुख खान और रणवीर सिंह की जोड़ी एक साथ, और आखिर किस रोल में नजर आने वाले हैं ये दोनों अभिनेता? तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं निष्का त्यागी। आज हम फिल्म मिस्टर इंडिया और फिल्म के अभिनेता से जुड़ी कुछ अनजान और दिलचस्प खबरों के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों शाहरुख खान पिछले एक साल से फिल्मों से दूर हैं। आखिरी बार उन्हें 2018 में बड़ी फिल्म जीरो में देखा गया था, लेकिन लगता है जल्द ही शाहरुख खान के फैंस का ये इंतजार खत्म होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, चर्चा है कि शाहरुख खान जल्द ही रणवीर सिंह के साथ मिस्टर इंडिया 2 में नजर आने वाले हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर अली अब्बास जफर जल्द ही अपना नया प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। ये 1987 की क्लासिक मूवी मिस्टर इंडिया का रीमेक होगी। इस रीमेक में रणवीर सिंह शाहरुख खान के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे। दोस्तों ऐसी खबर थी कि अली अब्बास मिस्टर इंडिया को एक फ्रेश स्पिन ऑफ और कंटेम्प्रेरी सेटअप देने की सोच रहे हैं। चर्चा है कि फिल्म के निर्माता रणबीर को अनिल कपूर के रोल के लिए अप्रोच कर रहे हैं, वहीं मोगैम्बो के रोल के लिए शाहरुख खान को अप्रोच किया गया है। इसके अलावा ये भी चर्चा है कि ये फिल्म रीमेक से ज्यादा एक स्पिन ऑफ होगी। फिलहाल इस प्रोजेक्ट के बारे में शाहरुख की ओर से कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है, पर दोस्तों रणवीर को ये रोल काफी पसंद आया है और वो अनिल कपूर के रोल के लिए काफी एक्साइटेड भी हैं। ये फिल्म 2022 में रिलीज की जाएगी। तो दोस्तों अगर रणवीर सिंह के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो जल्द ही फिल्म 83 में नजर आएंगे। ये 1983 के क्रिकेट वर्ल्ड कप पर आधारित है। रणवीर ने इस फिल्म में कपिल देव का रोल प्ले किया है। वहीं दोस्तों अगर शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो यशराज बैनर के अंतर्गत बनने वाली फिल्म पठान का ऐलान हो चुका है। इसमें शाहरुख खान और जॉन इब्राहिम के अलावा दीपिका पादुकोण भी नजर आने वाली हैं। साथ ही दोस्तों अपनी थ्रिलर फिल्मों के लिए मशहूर राज आंटी के भी किंग खान के साथ एक फिल्म बनाने वाले हैं। इसकी स्क्रिप्ट पर इन दिनों काम चल रहा है। दोस्तों हाल ही में सुनने में ये भी आ रहा है कि डायरेक्टर राजकुमार हिरानी अपनी अगली फिल्म शाहरुख खान के साथ बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, और साथ ही सुनने में ये भी आ रहा है कि साउथ सिनेमा के जाने माने डायरेक्टर एटली बहुत ही जल्द शाहरुख खान के साथ एक फिल्म शुरू करने वाले हैं। अब दोस्तों बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान पिछले 2 साल से एक्टिंग करियर से दूर हैं। आखिरी बार शाहरुख खान को फिल्म जीरो में देखा गया था। ये एक बिग बजट फिल्म थी। इस फिल्म में किंग खान बबुआ सिंह के किरदार में नजर आए थे। फिल्म का पोस्टर और ट्रेलर बेहद धांसु था। दर्शक फिल्म रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोस्तों जब ये फिल्म रिलीज हुई थी दर्शकों को ये फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं आई। शाहरुख खान के रोल की काफी आलोचना हुई। फिल्म जीरो में शाहरुख खान अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ के साथ रोमांस करते दिखाई दिए थे, लेकिन अब 1 साल के बाद शाहरुख खान फिर से एक बार फिर बॉलीवुड में एंट्री करने वाले हैं। वो चाहते हैं कि उनकी वापसी धांसु हो, जिसके चलते उन्होंने साउथ के निर्देशक एटली के साथ हाथ मिलाया है। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों फिल्म सनकी में
नजर आएंगे। ये पहली बार होगा जब ये दोनों साथ काम करते दिखाई देंगे। इसके बाद इस फिल्म से जुड़ी बड़ी और अहम खबरें सामने आ रही हैं। दोस्तों बता दूं कि मीडिया रिपोर्ट की माने तो फिल्म की शूटिंग अगले साल मार्च में शुरू होगी। जल्द ही इसको लेकर मेकर्स ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी करेंगे। खबरें तो ये भी है कि फिल्म सन की शूटिंग शुरू होने से पहले मेकर्स इसको लेकर बड़ा ऐलान करेंगे, जिसके बाद शूटिंग शुरू की जाएगी। तो दोस्तों क्या आप रणवीर सिंह और शाहरुख खान को पहली बार स्क्रीन पर एक साथ देखने के लिए एक्साइटेड हैं? और कितना है आपको इस सीक्वल फिल्म का इंतजार, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। साथ ही हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों हमारी आज की राइटर है, क्या साइंस कभी ऐसी भी कोई चीज बना सकती है जिसकी मदद से आदमी दिखाई ही ना दे? ऐसा फॉर्मूला ये कैसे हो सकता है? क्या फिल्म मिस्टर इंडिया में नजर आए कैरेक्टर कैलेंडर फिल्म के एसोसिएट डायरेक्टर भी थे? और आखिर इस कैरेक्टर का नाम कैलेंडर रखने का आइडिया कहां से आया था? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रिया अरोरा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में, जहां हम आज फिल्म मिस्टर इंडिया और इस फिल्म से जुड़ी कुछ अनजान और दिलचस्प खबरों के बारे में बात करने वाले हैं। बॉलीवुड की चांदनी श्रीदेवी को गुजरे हुए एक साल होने वाला है, लेकिन उनकी यादें अभी भी फैंस के दिलों में जिंदा है। श्रीदेवी ने अपने फिल्मी करियर में करीब 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, लेकिन इतनी सारी फिल्मों के बीच कुछ किरदार ऐसे भी थे जो हमेशा हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस गए। आज भी लोग श्रीदेवी को उनके नाम से ज्यादा इन किरदारों की बदौलत ही जानते हैं। श्रीदेवी के चार्ली चैपलिन वाले अवतार और हवा हवाई वाली परफॉर्मेंस को आखिर कौन भूल सकता है? एक्ट्रेस ने अपने एक्टिंग से फिल्म मिस्टर इंडिया में जान डाल दी थी, और शायद यही वजह है कि श्रीदेवी के फिल्मी सफर की बात हो तो फिल्म मिस्टर इंडिया का भी जिक्र जरूर होता है। आपको बता दें कि फिल्म मिस्टर इंडिया श्रीदेवी के करियर की मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म्स में से एक थी, जिसमें उनके ऑपोजिट अनिल कपूर थे। फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री को लोगों ने खूब पसंद किया था। फिल्म को ऑडियंस से इतना प्यार मिला कि फिल्म के साथ साथ फिल्म के सभी कैरेक्टर्स भी लोगों को आज तक याद है। फिल्म के कैरेक्टर्स की बात करें तो आपको कैलेंडर का रोल तो याद ही होगा, पर क्या आप इस कैरेक्टर के कास्टिंग से जुड़े मजेदार किस्से को जानते हैं? मिस्टर इंडिया फिल्म में सतीश कौशिक ने कैलेंडर का रोल प्ले किया था। ये रोल उनके करियर का सबसे बड़ा रोल साबित हुआ। इस रोल के पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल सतीश को फिल्म में कोई रोल नहीं मिल रहा था और इस बात से वो काफी परेशान थे। सारे रोल उनके हाथ से निकले जा रहे थे और वह इस फिल्म में एक्टिंग भी करना चाहते थे। ऐसे में जब नौकर के रोल की बारी आई तो वो जावेद साहब के पीछे पड़ गए। इस रोल के लिए भी कई सारे लोग थे। सतीश कौशिक एसोसिएट डायरेक्टर भी थे तो उनके पास थोड़ी पावर भी थी। उन्होंने ठान लिया कि ये रोल तो वो करके ही रहेंगे। वो इस रोल को करना चाहते थे, इसलिए जो भी इस रोल के ऑडिशन के लिए आता उसे किसी न किसी बहाने से रिजेक्ट कर देते, ताकि ये नौकर वाला रोल उन्हें ही मिल जाए। आखिर उन्हें रोल मिल ही गया, लेकिन ये रोल इतना खास नहीं था, मगर इसके टाइटल ने इस रोल को काफी खास बना दिया और इस टाइटल से जुड़ी भी एक काफी दिलचस्प कहानी है। सतीश कौशिक के पिता का ताला चाबी का व्यापार था। उनका एक जानने वाला डीलर था जिसका ताकियाकलाम कैलेंडर था। वो हर बात के बीच में कैलेंडर शब्द का इस्तेमाल करता था। वहीं से सतीश कौशिक को अपने रोल के लिए ये टाइटल मिला, जो जावेद साहब को भी काफी पसंद आया था। सतीश कौशिक 5 की OTT शो कबूल है 2.0 में नजर आई थी। आपको बता दें कि उनके सपोर्टिंग रोल वाली गदर एक प्रेम कथा का सिक्वल बन रहा है, जिसमें कई नए पुराने स्टार्स होंगे। हालांकि आपको जानकर दुख होगा कि लिरेट फिल्म में नहीं होंगी। फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर सारा अली खान को लिया जाएगा, जिसके लिए मेकर्स का मानना है कि लिरेट उनके माँ के रोल के लिए ज्यादा एज्ड लगेंगी। पर आखिर कौन होगा फिर सारा की माँ के रोल में, जानने के लिए आपको हमारी अगली वीडियो को। क्या तारा सिंह के रोल के लिए चुना गया था गोविंदा को? किसकी रियल लाइफ से ये रियल लाइफ अलग थी?
बॉलीवुड में क्या फिर वापसी करेंगे ची ची गदर से। आज हम बात करने जा रहे हैं तो ऐसे शख्स की जिनकी पर्सनालिटी एक दूसरे से एकदम जुदा है, लेकिन फिर भी वो एक ही फिल्म के लिए कास्ट हुए थे। अगर एक आग है तो एक पानी, अगर एक गुस्सा है तो दूसरा हंसी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सनी देओल और गोविंदा की। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि इन दोनों को तो साथ कभी नहीं देखा गया। तो जी बिल्कुल ठीक सोचा आपने। पर अगर मैं कहूँ कि आप ये सोचे कि गदर में सनी की जगह गोविंदा हैंडपंप उखाड़ते तो आपको भी हंसी आई ना, इसी तरह गोविंदा को भी आई। गदर एक प्रेम कथा के लिए सबसे पहले गोविंदा को तारा सिंह के किरदार के लिए कास्ट किया गया था, जो बाद में सनी देओल ने किया। आपको बता दे कि बॉलीवुड के सुपरस्टार गोविंदा अब फिल्मों में भले ही ना नजर आते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब पूरे बॉलीवुड पर उनका ही राज था। 80s 90s के दशक में गोविंदा ने एक से बढ़कर एक फिल्में की थी जो सुपर हिट होती थी। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा भी था जब ये कहा जाने लगा था कि अगर गोविंदा फिल्में नहीं करेंगे तो फिल्म इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। हालांकि अपने करियर के पीक पर गोविंदा ने भी बहुत सी फिल्मों को रिजेक्ट कर दिया था। गोविंदा के हाथ से एक सबसे सुपरहिट फिल्म निकली थी गदर, जो सनी देओल के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म में से एक साबित हुई। गदर एक प्रेम कथा फिल्म देखने के बाद कोई ये सोच भी नहीं सकता कि इस फिल्म में सनी की जगह कोई और ले सकता है। हालांकि बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि सनी देओल से पहले ये फिल्म गोविंदा को ऑफर की गई थी। एक इंटरव्यू में खुद गोविंदा ने इस बारे में खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि गदर के मेकर्स उनके पास इस फिल्म का ऑफर लेकर आए थे। उन्हें फिल्म पसंद भी थी, लेकिन एक खास वजह से उन्हें ये फिल्म छोड़नी पड़ी। गोविंदा ने बताया था कि इस फिल्म में तारा सिंह का जो रोल दिखाया गया था उसके लिए वो खुद को उतना फिट नहीं मानते थे। ऐसे में उन्हें लगा कि ये रोल